राजस्थान के भरतपुर में शाही में एक बड़ा हादसा होने के बाद जयपुर नगर निगम आयुक्त ने अवैध रूप से चल रहे सभी मैरिज हॉल्स पर कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं, जिसमें बदहाल स्थिति में पड़े हुए मैरिज हॉल से लेकर अवैध तरीके से चलाए जा रहे सभी मैरिज हॉल्स को बंद करने के आदेश दिए गए हैं। भरतपुर के चामुंडा माता मंदिर इलाके में कल तेज आंधी चलने की वजह से एक मैरिज हॉल की दीवार ढह जाने से 4 बच्चों और 8 महिलाओं समेत 25 लोगों की मौत हो गई थी। हादसे में 30 से ज्यादा लोग जख्मी भी हुए हैं, जिसे देखते हुए राज्य सरकार ने सभी अवैध मैरिज हॉल्स को बंद करने के आदेश दिए हैं। हादसे पर पीएम मोदी ने दुख जताया है और मरने वालों के परिवार वालों को 2-2 लाख के मुआवजे का ऐलान किया है। जो भी भवन है, नॉट जस्ट मैरिज गार्डन्स या कोई भी, भले वो सामुदायिक भवन हो या किसी का पर्टिकुलरली घर ही हो, अगर वो जर्जर अवस्था में है या बिल्डिंग के जो कंस्ट्रक्शन के नॉर्म्स पूरे नहीं करता, तो ये हमको अधिकार है कि हम उसको नोटिस दें और इंश्योर करें कि वो आसपास के लोगों के लिए जनहानि या धनहानि का कारण नहीं बने। यहाँ पर जो अवैध मैरिज हॉल्स हैं उनको बंद करने का आदेश दिया गया है, और जहाँ खुशी का माहौल होना चाहिए था, वहीं इस हादसे के बाद सबकी आंखें नम हैं। जयपुर के जौहरी बाजार के रहने वाले दीपचंद सैनी का परिवार गम में डूबा है। देखिए हमारे संवाददाता लाल सिंह की ये रिपोर्ट। सरकारी तंत्र की लापरवाही एक बार फिर जिंदगियों पर भारी पड़ गई। मौका था भरतपुर में शादी समारोह का, मगर तेज आंधी में कमज़ोर दीवार ऐसी ढही कि शादी की खुशियां मातम में बदल गई। आज जिस घर में खुशियां होनी चाहिए थी, बधाई का तांता लगा हुआ होता, आज भारी मन से ये लोग रस्में अदा कर रहे हैं। मेरे साथ जो पूरा खौफनाक मंजर देखा है, दूल्हा धर्मेंद्र साथ हैं। धर्मेंद्र, ये मौका तो बड़ी खुशियों का था, लेकिन जिस तरह आप दुखों का पहाड़ टूटा है, क्या मंजर वहाँ हुआ था, क्या हुआ था? वहाँ पे साथ तूफान आया था बहुत तेज, हम सब बाहर बैठ के नाश्ता कर रहे थे, बारात सजने वाली थी। मेरे भाई लोग सब बोले भाई जल्दी कर, बारिश चालू हो गई थी। धीरे धीरे बारिश ने तेज़ प्रभाव पकड़ लिया, तेज़ प्रभाव के साथ ओले आ गए, ओले भी फुल स्पीड से आ गए और तूफान आ गया। एकदम से मंदिर कमरों में बग गए, किसी का कुछ ध्यान नहीं, सब अपनी अंधेर गुप हो गया। लाइटें गुल होते ही हमने हमारे गेट मतलब भिड़ा लिए हल्के, बाहर भी थे ओले, अंदर आ रहे थे फुल स्पीड से ओले थे। फिर 10-1 मिनट बाद हल्ले हुए गेटों के अंदर, मतलब जो और भी पब्लिक थी, एक दूसरे नौजवान घुसने लग गए, चिल्ला चिल्ला के अपने अपने आदमियों को आवाज़ देने लग गए, चिंकू मिंकू जो भी नाम है उन हिसाब से। तो हमने बोले भाई क्या हो गया कि वहाँ पे दीवार गिर गई, लोग दब गए, टेंट गिर गए, लोग दब गए। आप वहाँ थी उस वक्त? आप वहाँ थी, आपने पूरा देखा था? हाँ, सब देखा था हमने, बहुत ही भयंकर ना जो दृश्य था, देखा ही नहीं जा रहा था। लोग आगे से मदद के लिए चिल्ला रहे थे, बहुत जने तो दब गए थे, कोई का सिर फूट गया, कोई का हाथ फूट गया। हमारे पास चश्मदीद जो धर्मेंद्र के साथ उस वक्त मौजूद थे, कुमावत मेरे साथ हैं, उन्होंने पूरा देखा है कि किस तरह का मंजर वहाँ रहा था। उनकी तो शर्ट जो थी वो भी खून में सन गई है। आप वहाँ थे साथ ही कुमावत, आपने तो कुछ लोगों को बचाया भी था? जी जी, वो हादसा तो मैं उसके बारे में आपको शब्द नहीं है बयां करने के लिए, ऐसा दर्दनाक हादसा मैंने मेरी ज़िंदगी में कभी नहीं देखा। इवन जब जयपुर में बम विस्फोट हुआ था, तब भी वो मैं उसको इससे हल्का मानता हूँ, क्योंकि वहाँ ये स्थिति थी, क्योंकि यहाँ तो पर कच्चे उड़ गए थे, लेकिन वहाँ तो आदमी मदद के लिए गुहार कर रहा है, तड़प रहा है, हमारे सामने अपनी जान दे रहा है, देखिए आप, क्योंकि और हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। ये जो हादसा हुआ उसको शायद शब्दों में बयान नहीं किया सकता, क्योंकि गम की एक ही भाषा होती है, वो है आंसू, और इसको सिर्फ हम शब्दों से नहीं आंसुओं से ही समझ सकते हैं। आपने जिस तरह की पीड़ा सुनी, वो खौफनाक मंजर, ये शायद शब्दों से भी बयान नहीं कर पाए हैं। लेकिन जब भरतपुर में ओले पड़े और तेज़ बारिश हुई, तो इस आश्रय के लिए उस दीवार के पास पहुँचे, मगर वो सरकारी लापरवाही के चलते पहले ही खोखली हो चुकी थी। अब सवाल ये है कि राजस्थान में ऐसे और हादसे ना हों, इसके लिए सरकार क्या कदम उठाती है? वीडियो जर्नलिस्ट नक्षत्र पाल के साथ लाल सिंह फौजदार, न्यूज़ नेशन, जयपुर।